दोस्तों, आप लोग कैसे हो? बढ़िया हो? चलो भाई, बढ़िया ही रहने चाहिए। तो देखो, हम जा रहे हैं दुकान पे, क्योंकि हमारे कल वो पुष्पा भाभी है ना, पुष्पा भाभी ने मन्नत मांगी थी कि हम लोग इनके सबके नाम आ जाएं आज, तो हम महादेव को नारियल चढ़ाएंगे। तो हम लोग जा रहे हैं दुकान पे नारियल लेने। तो ये देखो, ये फूला बुआ हैं साथ में, ये लाली दीदी हैं। तो हम जा रहे हैं दुकान पे नारियल लेके, फिर महादेव चढ़ाएं, फिर बाद में वही नारियल हम लोग खाएं। भाई सबको बटें, फिर खाना भी तो पड़े, प्रसाद है ना। तो देखते हैं, आज मंदिर जा ही रहे हैं हम लोग। और आप लोग कैसे हो? बढ़िया हो? जो बढ़िया ही रहने चाहिए, गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ रही है। फिर भी जिस दुकान पे जा रहे हैं, वो दुकान वाला अच्छी तरीका से हम लोगों को जान गए है कि रोज़ उस दुकान पे है ना, रोज़ प्रतिदिन का हमारा लोगों को 150 रुपये तो हो ही जाता है ना लेना देना। हाँ, तो हम क्या है, सब आंटी जी का मैं सामान लेके गई जिस टाइम। हाँ, तो हम लोग क्या, सब आंटी जी के और अपने सबके पैसे इकट्ठे करके, कोई को कुछ लेना हो तो कोई को कुछ लेना हो तो हम ले लेते हैं। तो देखो, वो दुकान पे हम जा ही रहे हैं। हम दिखाएं तुम्हें वो दुकान, जिस दुकान से हम रोज लेते हैं। किसके पास? गलत काम मत करो यार। अच्छा अच्छा, तो ये अपने अपने मोहल्ले के है ना अंकल जी? हाँ, क्या पता। चलो ठीक है, तो आज इस दुकान छोड़ के इस दुकान पे ले रहे ये लोग। देखो देखो, इस दुकान पे ले रहे आज ये लोग, पास वाली दुकान पे ले थे, तो पास वाली दुकान छोड़ के इस दुकान से ले रहे हैं सामान। देखो कितना चेंज कर रहे हैं ये लोग। तो नारियल ले रहे हैं हम लोग, अगरबत्ती ले रहे हैं, फिर मंदिर जाएं, महादेव जी को चढ़ाएं, और बोले ना सबकी इच्छाएं पूरी करत हैं। तो देखो कहाँ है, हाँ ये तो नारियल ले लो है, उस पर आंटी जी चढ़ाएं, अपन नहीं चढ़ाएं तो मरना चलती है। ये कौन है, ले लो। आइसक्रीम नहीं ले? तो बुआ आइसक्रीम खाएं, एक छोरी के लिए लिए। आज की ताज़ा खबर है, इनने दुकान चेंज कर दी है। और जिसकी दुकान पे चेंज करी है, वो दुकान मेरे मोहल्ले की है दुकान, तो उसकी दुकान तो सदा ली। तो अब मैं भी, मैंने आज पूछ ही ली, भैया तुम मेरे मोहल्ले की हो ना? बोला हाँ। तो चलो आज तो इसकी दुकान पे ही चेंज करे, बाकी उसके दुकान पे तो बहुत सारे आउट हैं। तो बहन थोड़ी ड्यूटी और कर लें लंच के टाइम पे। हाँ देखो बुआ कितना दर्द हुई रो, बोले उस बाप भी दिया, ये थोड़ा हल्दा भी है, अकड़ू भी है थोड़ा। देख लो कितनी बुराइयाँ कर रही है दुकान ही वाले ने, दुकान वाले ने बुराइयाँ कर रहा है। अकड़ू है, हल्दा है ना। तो हम लोग वापस आए गए दुकान पे सौदा लेके। तो अब देखते हैं मंदिर जा रहे। चलो चलो चलो। हाँ कोई बात नहीं, मंदिर जा रहे, काम वाम कर लें, फिर मंदिर 5 मिनट का टाइम काट के मंदिर जाएं, हैं। बोले ना सबकी इच्छाएं पूरी करत भैया, वो आंटी जी की तो बड़ी जल्दी सुन ली, हमारी तो बोले ना सुनते ही नहीं है। इतना बोला तभी बोले ना सुन नहीं, पर आंटी जी की तो बोले ना, बोलती होगी जब बोले ना तपस्या में नींद रहते हो। नहीं नहीं, जब हम बोलते हैं, जब भोलेनाथ भांग खा के सो जाते हैं। और ये बोलती हैं उस टाइम पे भोलेनाथ जगत है, इसलिए इनकी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। ब्रह्मांड करते हैं जब उस समय बोला होगा उन्होंने। हाँ। जब उन्होंने सुन लिया होगा जी, और जब कहते तपस्या में लीन रहते होंगे, भंगिया में लीन रहते होंगे, तो नहीं सुनते होंगे। हम लोग मंदिर नहीं जा पाए रहे, तो ये आंटी जी बैठी हैं, जो मतलब भोलेनाथ का प्रसाद माना था कि सबके नाम आने चाहिए, सबके नाम आएंगे, उनके वजह से इनने ये मतलब ये नारियल अगरबत्ती मानी। तो हम लोग मंदिर नहीं जा पाए हैं, मंदिर वो सामने है लेकिन हम नहीं जा पाए। तो आंटी जी का कहना है कि आप नारियल बेलपत्र पे चढ़ाओ, क्योंकि बेलपत्र पे भोलेनाथ का वास होता है, भोलेनाथ को बेलपत्र चढ़ाता है। तो दोस्तों इसलिए क्या है कि बेलपत्र पे नारियल चढ़ाई दो जे,
उसके बाद पड़ोसे फिर हम सब मिल बांट के खाए नारियल को। तो देखो भोलेनाथ जी को नाम लो, जय भोलेनाथ जी, मांगना पड़े फिर कोशिश से, क्या पता। तो ये देखो एक आंटी जी हैं, बुआ हैं, लाली दीदी हैं। मांगू क्या? मांगो मांगो, मिल जाए तो है, लेकिन लोग क्या भगवान में। हाँ यही कहेगी, ये बात तो सच है कि श्रद्धा से जिसको बुलाओ। देखो आंटी जी को पता है रेनू ब्लॉग बना रही है, ये मेरा नया ब्लॉग है, महादेव जी के लिए मान रहे थे, मन्नत कर रहे थे भाई पूरी। बैठ जाओ आंटी जी, बोले ना सबकी मनोकामना पूरी करें भाई। हाँ जल्दी से कर दे बाबा भाई इनकी। हाँ बाकी कर्जा तो अपने आंटी जी अपनी जिंदगी का एक जरिया बन गया है, क्या करें। तो यह तो बहुत बड़ी खुशी की बात है ना, इतना चुकाना ही बहुत बड़ी बात है। तो भाई भोलेनाथ तो सबकी मनोकामना पूरी करते हैं, सच्चे मन से नाम लियो और पूजा करो, जरूर है साथ। और हम भी, हमारे तो क्या है भोलेनाथ तो हैं, लेकिन हमारे मुँह से सबसे ज़्यादा बृहस्पति गुरु महाराज का विष्णु भगवान का नाम निकला था, क्योंकि उनको ही मैं ज़्यादा, एक ही रूप है, लेकिन मतलब ये हुआ था ना कि जैसे जिसकी अपन ज़्यादा ध्यान दे रहे थे ना, उन्हीं को ज़्यादा नाम आउट है। ऐसे मेरी ज़िंदगी में भी है, जब भी कोई काम ऐसे होता है ना तो गुरु महाराज मेरे ज़रूर बनाउट है। हाँ तो आज ये पेड़ देवता की सेवा फिर रही, माता जी बेटे, इधर गणेश जी बेटे, इधर कार्तिक बेटे, इधर जल चढ़ा के देख लो आंटी जी नमः शिवाय करती हैं। उसे भोलेनाथ को मंत्र बहुत सरल है, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय बोलो, सबसे सरल मंत्र है भोलेनाथ जी का। बाकी सबका मंत्र बहुत कठिन है, अपनी आप परमेश्वर नहीं तो ये तो बहुत मतलब तगड़ा मंत्र है ये भोलेनाथ जी का। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय कर करके तो जिन्हें कितने कितने राजचंद्र ने वरदान ले लिया। तो लाली दीदी आई गई हैं, देखो लाली दीदी आई गई हैं मेरी लेके माचिस। उसने तो अपने रोज की दे दी है, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा। वो भी अगरबत्ती लगा रहा था। देखो माचिस वाला कितना बढ़िया है, उन्हें अपनी माचिस दे दी, लेकिन आड़ करो भैया, आड़ करो, आड़ करो। देखो हमारी माचिस नहीं जल रही है तो हम सब जने आड़ करे हैं, हवा ना लगे भाई। कही जाता है श्रद्धा बहुत बड़ी चीज़ है, और श्रद्धा से पत्थर में भी भगवान मिल जाते हैं, ऐसी बात नहीं है। तो हम लोग श्रद्धा से पूजा कर रहे हैं, तो भोलेनाथ जी को नारियल चढ़ाएं तो मंदिर में ही क्या, उनके नाम से चढ़ाई दी यही नारियल, तो भोलेनाथ यहीं स्वीकार कर लें। भोलेनाथ जी स्वीकार कर लेना भाई आंटी जी की अर्जी, जैसे तुमने ऐसे ही स्वीकार कर ली थी। आंटी जी तपस्या में लीन है, देखो अगरबत्ती लग गई, अगरबत्ती बुझाती ना बुआ, बुझाना नहीं चाहिए ऐसे ऐसे करके, नहीं अपना बुझा। देखो तो ये अगरबत्ती लगाई थी बुआ ने, पर बुआ जलती अगरबत्ती लगा रही है। अब 5 मिनट में नहीं, 5 मिनट में सुहा बुझे हुए, देखो हाँ बुझाई दी। जय भोलेनाथ जी, जय भोलेनाथ जी। देखो भैया ये नारियल भोलेनाथ जी का, जय भोलेनाथ जी। देखो भाई ऐसी श्रद्धा है, हम भी ले लें। जय भोलेनाथ, अभी हमारे फोड़ दो, यहीं फोड़ दो, यहीं पर अंत कहाँ भूलिए, यहीं फोड़ो बाटा ले लो, चटक चढ़ा देना थोड़ी। तो देखो भाटा,
चलो ये भी बात सही है, भगवान मनोकामना तो सुनता है ना, पूरी तो करा। बुरा तो किसी का करनी भी अच्छा ही कर रही। हाँ माचिस रख लो, ये वो चटक फोड़ रही है, मतलब नारियल फोड़ रही है बुआ, जो उनके तेल लेके चले आप लोग। देखो कोई साधन नहीं मिलो तो वाह, भोलेनाथ जी को पत्थर फोड़ जा रहे हैं। देखो ये नारियल चढ़ दो, नहीं नहीं सही है, पानी नहीं है। चलो अरे खराब क्या लिख लो, गोले ही निकल गए पूरो। हाँ भैया भोले बाबा ने तुम्हारी सुन ली, गोला भी अच्छा निकल गया हुआ है, एकदम बढ़िया निकल गया। देखो देखो कितना बढ़िया लिख लो, पानी वालों नहीं लिख लो पर हाँ सफ़ेद है, पर हाँ उसने सही बोलो तो कि पानी तो नहीं निकले पर अच्छा निकले। अच्छा तो ये देखो हम लोग देखो ये चटक चढ़ा रहे हैं भोलेनाथ जी को, क्योंकि भाई भगवान तो हर मन में ठानो तो हर जगह मिले हैं, हर जगह मिले, श्रद्धा होनी चाहिए अपनी, तो हमें भी भोलेनाथ जी का प्रसाद मिल गया है दोस्तों। ठीक ब्लॉक आज नया ब्लॉक है आंटी जी के मन्नत के ऊपर, मनोकामना पूरी भई इसके वजह से हम लोगों ने नारियल चढ़ाओ है, नारियल चढ़ चुको है, प्रसाद मिल चुको है। तुम गाना बहुत अच्छा सुन रही, क्या बात है, क्या पता क्या ज्यादा कर रहे थे क्या आज, तुम्हारे भैया ने भरवाया ना ज्यादा प्यार व्यार तो नहीं हो रहा चार्ज खत्म हो गया इसमें। ममता ये है ममता जो हम लोगों के साथ रह रहे के बहुत अच्छी सहेलिन बन गई है मेरी, बहुत अच्छी है पर इसकी सब्जी बहुत तीखी है। हाँ ये ममता की सब्जी खा लेना जो ऊपर नीचे चारों तरफ धुआं धुआं, सच बता रहा जी मैं, वो आंटी जी है ना मेरे, वो तो मिर्ची खा ही नहीं सकती ममता की, दूर से कह देती भैया तेरी मिर्ची राम राम सब्जी है ना, और हम तो भाई भाई मिर्ची खा लेते हैं क्योंकि हमने बहुत बचपन से मिर्ची खाई है, क्योंकि मेरे पापा तीखी सब्जी खाते करे तो हम तीखी सब्जी खाने वाले, हमें तीखी सब्जी मिले तो और अच्छी लगती है। नहीं नहीं यार गोरे हैं तो गोरे हैं, यार देखो मैं तो सफेद जग आ रही हूं। तो ये है मेरी सबसे बुजुर्ग आंटी जी, आज इतनी दूर बैठी पर मेरी आंटी जी हमेशा मेरे ब्लॉक में रहती हैं। देखो देखो क्या कहती है, हमें सफेद सफेद मुंडा आ रहा, हम गोरे गोरे लग रहे हैं है ना। ये ममता, ये हम रेनु ब्लॉग चैनल, और ये पुष्पा आंटी जी है, ये लाली दीदी है, और हम सब थोड़ा देखो भाई पानी पीने के लिए बैठे हैं तो हमने कि चलो थोड़ा सा ब्लॉग बना लें बैठे बैठे, क्योंकि काम के साथ साथ में ये भी काम करना चाहिए, और बहुत बढ़िया है ये काम भी अपना, घूम लो फिर लो ब्लॉग बना लो, काम के टाइम पे काम भी करते। अपन किरण का नंबर दे वाले, किरण के पास भी पहुंच जाए, किरण का नंबर दे। हाँ तुम्हें सब दिख नहीं निकल रही, हाँ मेरे मैं आई रहो ना, मेरा तो आई रहो नाम डालो रेनू ब्लॉग चैनल तो आई जा यूट्यूब पे। तो भाई अगर हम लोगों की हमारी सबकी वीडियो अच्छी लगा था आप लोगों को तो रेनू ब्लॉग चैनल को सब्सक्राइब करो, कमेंट करो, लाइक करो। लाली दीदी कहाँ खो रही, कहीं नहीं देख रहे थे, क्या देख रहे थे, ममता मैं नहीं जा रही, मेरे को चक्कर बना रही। हेलो गाइस लाइक करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए, हाँ बाय 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 बाय, अबे तो शुरू नहीं हुआ, बाय बाय काट कर रहे ले।
कौन सा लोन लेने जा रही हूँ भाई? लोन दिला दो, बहुत लोन की जरूरत है, हम सबको लोन चाहिए। 50,000 को दिला दो, वही ना, 50,000 को लोन चाहिए, बहुत परेशान है और हकीकत में बहुत ज़्यादा परेशान है ये, इन्हें लोन चाहिए 50,000 को। ठीक है भाई, जो भी लोन सही में ऐसे पैसे वाले बनाए होते भगवान ने, तो कोई 2,000 की मदद करता तो ही 50,000 हो जाते। देखो पर ऐसे बनाए अपने फोड़े पड़ रहे। देखो गाइस सब कितने दुखी हैं, सब बहुत दुखी हैं, क्योंकि काम धंधा ढंग से नहीं चल रहा है ना, घर खर्चे ही भारी पड़ रहा है चलाना। यार भाभी आप, हाँ अरे मैं भी कह रही कोई डाल ले तो नाम लिखवा देना मेरा, 1,000 रुपया। अभी अपने मोहल्ले में चल रही बीसी हमारे 3.5 महीने की, 3.5 महीने की। अरे मेरे तो बीसी क्या काम धंधा ही ऐसे चल रहा है। काम धंधा मेरे थोड़े क्या नगेरा के पैसों का भरोसा रहे ना, इसलिए नहीं डाल रही मैं। पहले तो वैसा काम करती थी नहीं तो पैसे में रहते थे। हाँ मेरा मोहित बढ़िया है, भगवान अबे तो बढ़िया ही है, देखो आगे चल के भी बढ़िया ही है, लेकिन बस ये रोहित जो है ये कुछ ज़्यादा ही बदतमीजी आई रही, इसको बहुत ज़्यादा आ रही बदतमीजी, क्या करे, जितने छोटे से प्यार से रखो, लाड़ प्यार करो, पाल पोस के, पाले ही पोषण है, जब जल्दी से पापा मम्मी ने वो कर दी, मम्मी खत्म पापा खत्म, कोई पियरियन नहीं है, कुछ नहीं है, अपनी ज़िंदगी में मस्त रहो, अपने बाली बच्चे देखो, अपना घर परिवार संभालो, बस क्योंकि बस माँ बाप तक जिम्मेदारी रहती है। वो बोलो मम्मी के लिए किया ही क्या तूने, जाए के खिलाई पिलाया तो है, कोई बात नहीं, मैंने चलो खिलाया पिलाया तो है ना मम्मी को, तुमने तो वो भी नहीं कर पाया खिलाना पिलाना।